नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। और इस काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं 10 नंबर से। 10वें नंबर पर आता है लेक्चरर इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करें तो आपके लिए जॉब सबसे बेहतर है, जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए पीएचडी डिग्री की आवश्यकता होती है और उसमें बेहतर सैलरी भी दी जाती है। 91,538 से लगभग 3 लाख तक पर एनम आपको सैलरी दी जाती है। और अब आता है 9वां नंबर। 9वें नंबर पर इंडियन रेलवेज के इंजीनियर पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में आप ट्रेन से फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं और आपके हाथ में 1000 वर्कर्स की पावर होती है। इस जॉब को करने के लिए अगर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी 50,291 रुपए स्टार्टिंग से दी जाती है। और अब आता है 8वें नंबर पर बैंकिंग ऑफिसर की जॉब आती है। जॉब के क्षेत्र में बैंकिंग जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें सैलरी बेनिफिट के मामले में भी बहुत सुपर है और इसके लिए आपको अकाउंटिंग से बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है। इसमें सैलरी 38,700 के समथिंग दी जाती है। और अब आता है 7, डिफेंस ऑफिसर। अगर आपको भारत के लिए कुछ करने का जज्बा है तो ये जॉब आपके लिए है। ये जॉब पाने के लिए आपको एनडीए की परीक्षा पास करना होता है। इसका पे स्केल होता है 15,639,100। और अब आता है 6वां नंबर, आर्कियोलॉजिस्ट का। अगर आप ऐतिहासिक स्थानों, इमारतों और इन विरासतों की खोज करना चाहते हैं तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है। अगर हम बात करें सैलरी की तो इसमें 37,400 से 67,000 रुपये पर मंथ होती है। इसमें मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको एमफिल, पीएचडी, बीए के साथ करना अनिवार्य होता है। और अब आता है 5वां, ये रॉ की पोस्ट के लिए है। रॉ भारत की एक हाइड सर्विस है। इसमें यूपीएससी के सभी परीक्षा पास करने के बाद में जो टॉप लेवल के आईएएस अधिकारी होते हैं सिर्फ उन्हीं को इसमें परीक्षा के लिए अलाउ किया जाता है। और इसमें अगर सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इसमें 80,000 से 1.3 लाख तक प्रतिमाह सैलरी इसमें दी जाती है। अब आता है 4वां नंबर। 4वां नंबर डीआरडीओ और इसरो का है। डीआरडीओ और इसरो एक सम्मानित संस्थानों में से एक है जो कि सरकारी वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जाती है। इसरो में जॉब पाने के लिए आपको आईएसटीई से बीटेक करना होता है, जिसमें 65% से ज्यादा मार्क मान्य होता है। इसरो आईआईटी और एनआईटी से भी कुछ प्लेसमेंट करता है और इसमें जो सैलरी मुहैया कराई जाती है वो होती है 15,639,100 रुपए। इसका पे स्केल होता है और 5400 रुपया ग्रेड पे होता है और सरकारी सुख सुविधाएं अलग से होती है। अब आता है 3, यानी आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस ऑफिसर का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद होता है, जिसमें आईएफएस ऑफिसर को मौका होता है अपने देश को वर्ल्ड के सामने पेश करने का। इसमें आपको पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए भी मिलता है, जिसमें कई देशों की एम्बेसियों में आपको काम करना पड़ सकता है और देश के आधार पर आपको सैलरी मिलती है। जैसे अगर आपकी यूएस में नियुक्ति होती है, यूएस के एम्बेसी में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो वहाँ $4,000 यानी 2.4 लाख पर मंथ है। इसमें जाने के लिए आपको यूपीएससी के 4 लेवल की परीक्षा पास करना होता है, जिसका रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अब आता है 2। 2 पे आईपीएस की जॉब है। यह देश की एक बहुत ही आकर्षक जॉब है। इस जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, लेकिन आपको पावर भी बहुत दी जाती है। इस जॉब के लिए हजारों अभ्यर्थी इंटरव्यू देते हैं क्योंकि इसका इंटरव्यू बहुत ही कठिन होता है और इस जॉब को पाने के लिए आपको यूपीएससी की परीक्षा बीट करनी होती है और इसकी पे स्केल है 37,400 से 67,000 और ग्रेड पे 12,000। और अब आता है 1। 1 पर आता है आईएएस। जी हाँ, आईएएस यह देश में एक बहुत प्रतिष्ठित जॉब माना जाता है। हर साल करीब लाखों स्टूडेंट आईएएस का एग्जाम देते हैं और यह एग्जाम भारत का सबसे कठिन एग्जामों में से एक माना जाता है। आईएएस ऑफिसर का मासिक वेतन 37,400 से 67,000 और ग्रेड पे 12,000 रुपए। और अगर आईएएस सेंट्रल कैबिनेट में एज अ सेक्रेटरी होता है तो उसकी 90,000 रुपए फिक्स सैलरी होती है।